ऐसा है, समय समय पर विभागीय समीक्षा सभी लोग करते हैं, हम भी आज किए कि कई एक ऐसा मामला है जो आप लोग भी समय समय पर उजागर करते हैं, उसी पर बैठक रखे हैं। उस पर जैसे आपका हमारे बजट पर समीक्षा किया और बजट पर जो खर्च होना चाहिए साल के मुताबिक कि हम बजट के बाद अप्रैल में कै परसेंट करना चाहिए, मई में कै परसेंट करना चाहिए, उस तरह का हमने कहा कि इसको बना के लाइए कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और निर्देश भी दिया गया है कि हम इस बार कुछ नहीं सुने, पैसा है तो काम क्यों नहीं होगा, हम बजट सरेंडर क्यों करेंगे, सरेंडर पॉलिसी हम जीरो करना चाहते हैं। इसलिए सारे अधिकारियों को बुलाए थे बजट पर, फिर 5 दिन के बाद फिर करेंगे, लगातार करेंगे कि जब तक मेरा पैसा है। देखिए कुछ ऐसे बातें हो जाता है तो भारत सरकार समय पर पैसा देता नहीं है, हम लोग उसमें ऐड करके खर्च कर नहीं पाते हैं, डिले होता है, लेकिन डिले कोई माने नहीं, समय पर पैसा मिले, समय पर खर्च हो, समय पर जनता का काम हो, ये योजना लेके हम चले हैं। ये बजट पर था। और हमारे जैसे अभी डीबीटी जो पिछला बार हम लोगों ने किया, संतोषजनक नहीं है, नहीं हमारे, देखिए आपके नज़र से चाहे किसी की नज़र से पिंड छुड़ाने की बात हुआ कि हम डीबीटी कर दिए, 610 रुपया में कपड़ा देना है, बैंक वैसे पैसा कम रहता तो काट लेता है, बैंक काटता है पैसा, इसका भी हम लोग निकाल लाए हैं। फिर 2 दिन बैंक का फेरा लगाना पड़ेगा, 1 दिन में होगा नहीं, तो पोशाक तो कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं बना नहीं पाते, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। जो सारे बच्चे लोग को जो सरकार का मंशा है, सरकार का जो योजना है, इसको सफल हो। हम पिंड छुड़ाने के लिए सरकार यहाँ नहीं बैठा है, जनहित के लिए बैठा है, जनता के काम के लिए। दूसरा है, बहुत दिनों से प्रस्वीकृति नहीं हुआ था, बहुत दिनों से उत्क्रमण नहीं हुआ था, उस पर चर्चा हुआ, शिक्षक के नियुक्ति का चर्चा हुआ। हम लोग शिक्षक नियुक्ति में फास्ट ट्रैक करने बोले हैं कि जितना जल्द हो, डिले मत कीजिए, और सिर्फ अब जो घूमना था फाइल सिर्फ अब हम कर दिए थे, मेरे करने के बाद आपका सारे विभाग में गया, सिर्फ कार्मिक बाकी है। आज भी निर्देश दिया गया कि जितना जल्दी हो कार्मिक से फाइल निकाल कर कैबिनेट में भेजिए फास्ट ट्रैक पर। ए आपका बहाली पर, शिक्षक बहाली पर पद स्वीकृति हो गया है, सृजन हो गया है, इधर सब हम सब कर दिए हैं, तो डिले किस बात का, डिले नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग जो भी काम है, जो आपको अखबार में आता है चाहे चैनल में आता है, उसको देखकर गंभीरता से लेते हैं और उसको फास्ट ट्रैक कराने के लिए प्रयास करते हैं।
अभी हमारे यहाँ शिक्षक का जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस भी इतना लंबा प्रोसेस है, बहुत लेट हो जाएगा। जब कैबिनेट कर दिया है कि महिला को गृह जिला, पति पत्नी गृह जिला, विकलांग का गृह जिला और गंभीर बीमारी का गृह जिला जब कैबिनेट कर दिया है तो यहाँ किंतु परंतु क्यों? बीओ अब सर इसमें दिए हैं कोई स्कूल का एक दिन भोजन बंद हुआ तो तनख्वाह उसको जो पेमेंट है तो दो दिन का काटेंगे। जो जिम्मेदार होगा दो दिन का काटेंगे। जैसे एमडीएम कोई स्कूल का बंद हुआ, शिकायत आ गया कि बंद हो गया, आपके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, अभिभावक के माध्यम से, तो हम लोग इसको एक दिन बंद हुआ तो दो दिन का काटेंगे। बीओ का ना अभी निर्णय हुआ, बीओ का जो जिम्मेदार होंगे दादा, जिम्मेदार अफसर, जिम्मेदारी अफसर, इसका जो जिम्मेदार है। लेकिन जिम्मेदारी तो सभी जिलों में बीओ को दी गई, अभी हम लोग बीओ दिए हैं। पहले पहले जिम्मेदारी तो एसएमसी का था, एसएमसी का जो बीओ ये बहुत जगह से शिकायत आता था, किचन सेट कहीं नहीं है तो उसमें कुछ घटना घट गया तो सारा जिम्मा सरकार हो जाता था कि सरकार की चलती है बच्चा बीमार पड़ गया। किचन सेट हम लोग हर स्कूल में करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।